भाषण दे रहे हैं। बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव जी, राजीव रंजन जी, देश देख रहा है, आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है। कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं? ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? लोकतंत्र चलता है लोक लाज से, और इस सरकार ने सारे लोक लाज को ताखे पर रख दिया। आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 के का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी इस बिल को पेश करते हुए कई संवैधानिक बातों का उल्लेख किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पारा का भी उल्लेख किया, लेकिन शायद उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि इस देश में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को है, और सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने 11 मई के अपने फैसले में इसकी विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने पढ़ा, कई प्रावधान पढ़े, कई पारा पढ़े, लेकिन जो उनकी सुविधा के मुताबिक उनको सूट करता था वो पारा उन्होंने पढ़ा। पूरे जजमेंट को नहीं पढ़ा उन्होंने, पूरे जजमेंट में विस्तृत तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दिल्ली के क्षेत्राधिकार के मामले में व्याख्या की है, संविधान की व्याख्या की है, कानून की व्याख्या की है। लेकिन आपको बैकडोर से शासन करना था। 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है, 19 मई को आप अध्यादेश लाते हैं, और उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं? ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से, और इस सरकार ने सारे लोक लाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं? अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप 3 सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि वाह भाई, दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है। कौन सा काम आप व्याख्या कर रहे? आपने दिल्ली के एमसीडी को, सारे लोगों को मिला के एक एमसीडी किया, क्या हुआ हासिल आपका? दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहे, फिर भी आप बोल रहे। तो लोक लाज जब आप ताके पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया। फिर आपको क्या अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी? क्यों आप इंतजार करते रहे? आपने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था, तो रिव्यू पिटीशन जब आप फाइल किए थे तो रिव्यू पिटीशन का आप इंतजार करते, रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। लेकिन नहीं, आपने इंतजार नहीं किया, आपने 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद रहा गर्मी की छुट्टी के लिए, और 19 तारीख को आप अध्यादेश जारी कर। आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना। यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भाग में। ये कौन सा शासन आप चला, कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था,
लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक मंगलोर में हो रही थी उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए बैठिए ना बाबा, आप बैठिए, विदाई होगा आपका, बैठिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं, बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव जी, राजीव रंजन जी, उधर ध्यान मत दीजिए, एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली, केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है, किसी अन्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप प्लीज एड्रेस द चेयर एंड एंड प्लीज सभापति एंड ट्राई टू कंक्लूड आल्सो प्लीज। इसलिए सभापति महोदय, इसीलिए प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, नो 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 नो, बैठिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बोलिए। इसीलिए सभापति महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। अभी गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, एक मिनट एक मिनट एक, आप प्लीज स्वागत, आप तो बैठिए ना, बैठिए, अभी अपनी बात पूरी कर दीजिए। अभी अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली के भ्रष्टाचार पर चर्चा की, आप ही चलाइएगा, आप तो बैठिए, जी जी जी, चलिए, हाँ आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज, ले सवाल, आप अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। सभापति महोदय, अभी सभापति महोदय माननीय गृह मंत्री की चर्चा कर रहे थे, पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमा हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। चार दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं और देश देख रहा है, आपको भी गृह मंत्री जी पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाओ, अपनी राजनीतिक, अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए जी, इसलिए चिंता मत करिए, धन्यवाद, जनता देख रही है आपको भी, 2024 आपका भी फैसला जनता कर देगी। और इसी के साथ अरे कैसे खत्म हुआ, आपने अभी तो कर दिया भाई, नहीं हो गया ना पूरा, अभी नहीं कंक्लूड करने दीजिए, कीजिए कीजिए कीजिए, इसलिए कीजिए पूरा कीजिए। इसलिए सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जो यह बिल, जो यह, अरे बैठिए पीछे बैठ जाइए, जो यह बिल जो आया है, यह बिल लोकतंत्र के का विरोधी है, लोकतंत्र को समाप्त, वैसे इनकी मंशा है, इस सरकार की मंशा है लोकतंत्र के सारी संस्थाओं, आपने कह दी अपनी बात, आपने सारी संस्थाओं को ध्वस्त करना इनकी मंशा है, ये कर रहे हैं, लेकिन यह लोकतंत्र विरोधी है, संघीय ढांचा के खिलाफ, पिनाकी मिश्रा जी, हमारी पार्टी और हम लोग इसका विरोध करते हैं।